आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। The phenotypic and genotypic ratios remain same in F naught या F dash generation in case of F dash जो है उसको F2 भी कह सकते हैं। तो यहाँ हमसे पूछा गया कि किसमें F2 generation जो है उसमें genotype ratio और phenotype ratio same है। तो यहाँ अपन बात करें डाइहाइब्रिड क्रॉस में जो फेनोटाइपिक रेशियो आता है वो आता है 9:3:3:1। वहीं जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइपिक रेशियो जो है वो आता है 1:2:2:4:1, फिर 2:1:2 एंड लास्ट में आता है 1। तो ये जीनोटाइपिक रेशियो है और ये जो है फेनोटाइपिक रेशियो है, दोनों अलग अलग आते हैं। आगे बात करते हैं अपन सप्लीमेंट्री जीन। सप्लीमेंट्री जीन के केस में जो है वो फेनोटाइपिक रेशियो आता है 9:3:4, वहीं जीनोटाइपिक रेशियो जो है वो सेम रहने वाला है। ये जैसा अपन ने डाइहाइब्रिड क्रॉस में बताया वैसा ही रहेगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है उसमें अपने को फेनोटाइपिक रेशियो देखने को मिलेगा 1:1 और जीनोटाइपिक रेशियो देखने को मिलेगा 1:1। और इसमें मिराबिलिस ज़िलाफा में इनकम्प्लीट डोमिनेंस की खोज हुई थी, कार्ल कोरेंस ने की थी। इसे 4 o'clock प्लांट भी कहा जाता है। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में सेम आएगा। इनहिबिटरी जीन्स ऐसे जीन होते हैं जो एक दूसरे को इनहिबिट करते हैं, जिनकी प्रेजेंस की वजह से दूसरा जीन जो है इफेक्ट होता है। ये एक तरह से एपिस्टेटिक जैसी फिनोमेना है। तो दिए गए क्वेश्चन में जो है वो सही आंसर है ऑप्शन 3। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो सेम आते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।